हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है द्रव्यमान के मात्रक, यानी द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक होते हैं और कुछ बड़े मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले छोटे मात्रकों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको बड़े मात्रक क्या क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्राम। ये ग्राम होता है, ये द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक होता है और 1 ग्राम में 10^-3 किलोग्राम होते हैं। अथवा इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात एक मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। और इसका एक छोटा मात्रक होता है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 10^-6 किलोग्राम होते हैं। नंबर 3 पर आता है द्रव्यमान का एक और छोटा मात्रक होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरेट। ये कैरेट क्या होता है, यानी 1 किलोग्राम का 5000वां भाग होता है, वो एक कैरेट कहलाता है। तो 1/5000, यानी 1 किलोग्राम का 5000वां भाग होता है, वो एक कैरेट के बराबर होता है। तो 5000 का इसमें भाग दें तो ये आ जाएगा 2×10^-4 किलोग्राम। अर्थात हम कह सकते हैं 1 कैरेट में 2×10^-4 किलोग्राम होते हैं। ये द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है। और इसका एक मात्रक होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। नंबर 4, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है 1.66×10^-27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये तो थे द्रव्यमान के कुछ छोटे मात्रक। अभी बात करते हैं द्रव्यमान के बड़े मात्रकों के बारे में। तो द्रव्यमान के बड़े मात्रक भी अनेक प्रकार के हैं। नंबर 1, एक द्रव्यमान का मात्रक होता है स्लग। एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक स्लग इक्वल टू होता है 14.57 किलोग्राम, यानी एक स्लग में 14.57 किलोग्राम होते हैं। और द्रव्यमान का एक बड़ा मात्रक होता है क्विंटल। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ये द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। और इसका एक बड़ा मात्रक होता है मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, यानी 1 मीट्रिक टन होता है, वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं 10 क्विंटल, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1000 क्विंटल, 1000 किलोग्राम में 10 क्विंटल होंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक बड़ा मात्रक होता है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा। ये तो शायद आपने नहीं सुना होगा। तो ये चंद्रशेखर सीमा होता है, यानी एक चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एक चंद्रशेखर लिमिट यानी सीमा इक्वल टू होता है 1.4×सूर्य का द्रव्यमान। तो ये वाला जो यूनिट है, ये द्रव्यमान का काफी बड़ा यूनिट है। तो दोस्तों, ये थे द्रव्यमान के कुछ मात्रक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।